नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों की। हरियाणा में नए मंत्रियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही आज मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाले राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नए मंत्रियों को सुबह 11 बजे शपथ दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर सरकार गठन करने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने 27 अक्टूबर को दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। अयोध्या जैसे मामले पर फैसला सुनाने के कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला और राफेल विमान सौदे पर अपना निर्णय सुनाएगा। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। फिक्की और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आज से 2 दिवसीय समिट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इस समिट में खास तौर पर बेहतर लाइफ साइकिल से सतत विकास पर विचार होगा। आज इंडिया हेरिटेज सेंटर दिल्ली में मास्को के डिप्टी गवर्नर वदिम कारमेव खास तौर पर भारत और रूस के बीच सह संबंध पर चर्चा करेंगे। इस खास सेमिनार में भारत और रूस के बीच किस प्रकार से तेजी से बायलेटरल इकोनॉमी बढ़े, इस पर चर्चा होगी। प्रगति मैदान में 39वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आज से शुरू होने जा रहा है। ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 14 से 18 तक यह सिर्फ कारोबारियों के लिए खुलेगा और आम जनता के लिए 19 नवंबर से इसे खोला जाएगा। इस बार सिर्फ 3 गेटों से एंट्री रखी गई है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस को रोजाना 20 से 25 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। आज हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। इस मौके पर आज शांतिवन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें नमन करने आएंगे। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कांग्रेस और जनता दल के 17 अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले ही ये सभी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि ये सभी नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। पटना स्थित हाईकोर्ट बाबा की मजार शरीफ पर आज से 3 दिवसीय उर्स शुरू हो रहा है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजार पर चादर पोशी करेंगे। इसके बाद 16 नवंबर की रात को कव्वाली की महफिल सजेगी। बीएसईबी आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बीएसईबी बिहार बोर्ड 2020 10वीं और 12वीं की एडमिट कार्ड जारी करेगा। आपको बता दें कि 2020 बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर छात्र को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 20 नवंबर 2019 तक अपनी एडमिट कार्ड में बदलाव कर सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच आज से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों के बीच ये 7वीं टेस्ट सीरीज है। आपको बता दें कि इसमें टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ अब तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। नई दिल्ली के प्लाजा होटल में आज से एसोचैम ने 1 दिवसीय डायबिटीज अवेयरनेस पर खास सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है इसके उपाय पर खास चर्चा होगी। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय में एक विचार जोर पकड़ रहा है कि उसे अयोध्या में नई मस्जिद बनाने के लिए कहीं और 5 एकड़ नहीं स्वीकार करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 5 एकड़ जमीन के प्रस्ताव पर AIMPLB रविवार को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी सरकार की ओर से बनाए जाने वाले ट्रस्ट में 4 संगठनों को शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह 4 संगठन निर्मोही अखाड़ा, राम भूमि न्यास, दिगंबर अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वायु प्रदूषण की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी प्रौद्योगिकी अपनाने की व्यवहार्यता तलाशी जाए। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस विषय पर विचार विमर्श तेज करने और न्यायालय को 3 दिसंबर को अपने नतीजे से अवगत कराने का निर्देश दिया है। साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी ध्यान देने को कहा है। प्रियंका गांधी ने औद्योगिक उत्पादन में गिरावट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान को लेकर कहा कि
ओला उबर थ्योरी और फिल्म हिट होने की थ्योरी के बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद अब सरकार की वित्त मंत्री ने मंदी के बारे में कबूलनामा दिया है। कल पहली बार उन्हें लगा कि मंदी है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चलिए जब जागे तभी सवेरा। अयोध्या मामले पर फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले पर बयान देना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद के एक पक्षकार बादशाह खान का कहना है कि सरकार के पास जो 67 एकड़ परिसर है उसमें से ही उन्हें मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाए। CBSE ने 2020 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए नई मार्किंग स्कीम जारी की है। इसमें बोर्ड ने बताया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं पास करने के लिए छात्रों को हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या के विकास की बात शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में अयोध्या नगर निगमों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अयोध्या नगर निगम अपने क्षेत्र का विस्तार करने जा रहा है, इसके लिए नगर निगम ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। नगर निगम से सटे 41 राजस्व गांव अब अयोध्या नगर में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अयोध्या को धर्म नगरी के तौर पर विकसित करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। झारखंड में BJP और AJSU के बीच गठबंधन की गांठ को सुलझा लिया गया है। BJP के शीर्ष नेतृत्व ने सारे गतिरोध को सुलझाते हुए विधानसभा सीट शेयरिंग पर दोनों दलों के बीच सहमति बना ली है। सूत्रों के मुताबिक AJSU 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 पर BJP AJSU मिलकर चुनाव में खड़े होंगे। BJP ने AJSU को पिछले चुनाव में ज्यादा सीटें देकर राजी कर लिया है। पाकिस्तान में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले को अब सिविल कोर्ट में भेजने की तैयारी की गई है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने अपने कानून में कई बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के बाद जाधव को सिविल कोर्ट में अपील रखनी होगी। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विधायकों को राहत दी है। अब ये 17 विधायक 5 दिसंबर को 15 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान नानकाना साहिब के दरवाजे उसी तरह खोलने पर विचार करेगा जैसे करतारपुर को खोला गया। मनजिंदर ने एक बयान में कहा कि हम पिछले 72 वर्षों से इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमने न केवल करतारपुर साहब के लिए बल्कि नानकाना साहिब और अन्य गुरुद्वारे के लिए भी प्रार्थना की। NCR समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले में अब ई ऑटो चलाने की तैयारी की जा रही है और दिसंबर से यह आपको सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। परिवहन विभाग ने इन वाहनों की तैयारी शुरू कर दी है। अन्य वाहनों की तरह इनका भी रजिस्ट्रेशन RTO कार्यालय से होगा। आपको बता दें कि प्रशासन इन वाहनों की शुरुआत प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए करने जा रही है। इस साल यानी 2018-19 के बीच BJP ने अब तक कुल 8000 करोड़ रुपए का चंदा जुटाया है। भाजपा के बारे में यह जानकारी चुनाव आयोग में जमा किए गए दस्तावेज में दी गई है और इसके मुताबिक भाजपा को इस साल चेक और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कुल 800 रुपए से अधिक का चंदा मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस को सिर्फ 146 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। चीनी स्मार्टफोन मेकर रियलमी भारत में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को 20 नवंबर को लॉन्च करने की तैयारी में है। ये स्मार्टफोन रियलमी X2 Pro होगा। इस स्मार्टफोन का टीजर फ्लिपकार्ट पर लाइव कर दिया गया है। शादियों के मौसम में सोना खरीदना महंगा हो गया है। शादी के मौसम में मांग बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उछाल से दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 225 रुपए बढ़ गया है। बता दें कि सोने की तरह ही चांदी के दाम में भी तेजी आई है और चांदी की कीमतों में 440 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ई कॉमर्स कंपनी के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है, जिससे सरकार इस नियम के जरिए कीमतों को प्रभावित करने वाले डीप डिस्काउंट जैसे मामले पर नजर रख सकेगी। वहीं दूसरी तरफ ई कॉमर्स कंपनियों के फ्रांट और मनमानी पर भी लगाम लग जाएगी। भारतीय सेटलर साइना नेहवाल हांगकांग ओपन में चीनी खिलाड़ी चाई यान से हारने के बाद बाहर हो गई है। साइना नेहवाल को पहले ही दौर में चीन की चाई यान ने 21-13 और 22-20 से शिकस्त दी।
बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा झुग्गी झोपड़ी हटाए जाने और जमीन देने के वादे से मुकर जाने पर जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव सड़क पर उतरेंगे। वहीं पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि 24 अक्टूबर को राजेंद्र भवन से राजभवन मार्च निकालेंगे, जहां राज्य के तमाम लोग इसमें शामिल होंगे, वहीं झुग्गी झोपड़ी के भी सैकड़ों लोग शामिल होंगे। छतरपुर से हमारे संवाददाता बीडी अनुरागी बता रहे हैं कि जिले में हनुमान टोरिया मंदिर में कार्तिक माह के अवसर पर विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किए। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि पटना के बेली रोड पर यातायात को सुगम बनाने को लेकर जिला प्रशासन ने रेड लाइट हटाकर यू टर्न लागू किया है। इस वजह से शहर में यातायात स्मूथ हो गया है। एक तरफ प्रतिदिन जो जाम की समस्याएं होती थी उससे निजात भी मिली है, लेकिन इससे पैदल यात्रियों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ये खबरें आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।